नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड यू प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है दिनांक 30 अप्रैल 2022 और आज रात्रि में 12:15 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह 4:07 तक रहने वाला है। तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पे यानी कि भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। जिन देशों में ये लग रहा है वहाँ पे लाए हैं तो उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप भारत में भी हैं और अगर आप सावधानी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन समय भारत में होगा रात्रि का, तो उस समय पे आप सो चुके होंगे। चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय पे गर्भवती महिलाओं को खासकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस समय पे गर्भवती महिलाओं को खासकर कोई और करे या ना करे, कुछ उपाय करने बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। गर्भवती महिलाओं के ग्रह इस समय पे काफ़ी ज़्यादा कमजोर होते हैं और इस समय पे ग्रहणों का नकारात्मक असर बहुत ही आसानी से गर्भवती के ऊपर पड़ सकता है। भारत में वैसे तो ये ग्रहण आंशिक रूप से देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ग्रहणों के उपाय करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और बल्कि इससे आपको फायदा ही मिलता है। छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपको कर लेने चाहिए। इस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हों जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना आ रही हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण है तो बहुत ज़्यादा उपाय भी अगर आप नहीं करते हैं तो चलेगा, लेकिन कोशिश ये करें कि आप सूर्य को बिल्कुल भी ना देखें। किसी भी काम को टालें जिससे कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कार्य आ जाता है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं टाल सकते हैं, तो आप अपने साथ तुलसी के पत्ते जरूर लेके जाएं। तुलसी के पत्तों से काफ़ी हद तक बचाव मिलता है। घर पे भी हैं, अंदर भी हैं, कमरे के अंदर, तो भी आपको तुलसी के पत्ते कुछ अपने आसपास रखने चाहिए, कुछ आपको अपने मुंह में, अपनी जीभ में तुलसी के पत्ते रखने चाहिए। तो तुलसी के पत्ते बहुत गुणों से भरपूर होते हैं, इससे जो ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपको हानि नहीं पहुँचा पाती है। तुलसी के पत्ते अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो तुलसी के पत्ते वाला काम जो है एक नारियल भी कर देता है। नारियल को भी अगर आप अपने पास रखते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बचाव मिलता है। ग्रहण काल के दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, ना ही आपको कुछ पीना होता है। इन दोनों कामों पे बिल्कुल सख्त मनाही होती है। इस अवधि में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। साथ ही में आपको सोना भी वर्जित है। इस समय पे आप सो भी नहीं सकते हैं, तो काफ़ी कठिन परीक्षा होती है एक तरीके से देखा जाए। सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, सब में उपाय आपको एक जैसे ही करने होते हैं। तो दोस्तों, ये कार्य तो काफ़ी कठिन है, आप जितना पॉसिबल इनको निभा पा रहे हैं उतना निभाइए। आंशिक सूर्य ग्रहण है इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पूरा ही फॉलो करने की आवश्यकता है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि घर के अंदर रहें, सूर्य के किरणों से आप दूर रहें। कोशिश इस बात की भी करें कि आप कोई भी पैनी चीज़ जैसे कि चाकू हो गया, छुरी हो गया, कैंची हो गया, इनसे संबंधित कोई भी काम ना करें। फल सब्जियां ये सब काटने वाले काम इस समय पे आपको नहीं करने चाहिए, इससे गर्भ में शिशु के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे और नकारात्मक जो किरणें हैं इनका असर आपके ऊपर ना हो, इसके लिए आप मंत्रोच्चारण करें। मंत्रोच्चारण आपको करना है आराम से अपने कमरे में बैठ के। इसके लिए आपको मंदिर या फिर किसी भी प्रतिमा के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान लगा के मंत्र उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण आप कौन कौन से कर सकते हैं? आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं और दुर्गा स्तुति का पाठ भी आप कर सकते हैं। इनसे जो भी इस समय पर ब्रह्मांड में नकारात्मकता फैलती है, जो विपरीत शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ इस समय पर ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, उनका आपके ऊपर प्रभाव कम होता है। ये जो है सब मान्यताओं का खेल है, सब धर्मशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको नहाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भी वस्त्र पहने हैं उनको आप चेंज कर दीजिए, उसके बाद गंगा जल का थोड़ा सा सबसे पहले पीजिए और पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे कि सारे घर का शुद्धिकरण हो सके। अब आपको ताज़ा खाना बनाना है और ताज़ा खाना ही ग्रहण करना है। इतने कार्य अगर आप कर लेते हैं किसी भी ग्रहण में तो वो पर्याप्त हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।